हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनी और आप देख रहे हैं द होप स्टोरी एंड आई एम ऑन अ मिशन टू मेक एवरीवन ब्यूटीफुल अराउंड मी। और अगर आप भी मेरी तरह बोर हो गई हैं हर ओकेजन पर कुर्ता सेट्स पहनकर, तो ये वीडियो में आने वाला है आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा, क्योंकि लेट्स ट्राई सीरीज में आज मैंने ट्राई किए हैं कुछ नए डिज़ाइंस या कुछ नए ऐसे स्टाइल्स जो आप ट्राई कर सकते हैं अपने स्टाइल में कुछ नयापन लाने के लिए। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है जिससे आगे भी मैं ट्राई कर सकूं कुछ नई आउटफिट्स और शेयर कर सकूं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ। तो चलिए सीधा चलते हैं आपकी स्टाइल की जर्नी में आगे। तो सबसे पहले ट्राई किया मैंने इस जंपसूट को जो कि है ब्रांड इंडिया से। फैब्रिक इसका जॉर्जेट है तो बॉडी शेप आपका जो भी हो ये आपके ऊपर अच्छा ही लगेगा। सो व्हेनेवर यू आर कंफ्यूज इन फैब्रिक सिलेक्शन, गो ब्लाइंडली विद जॉर्जेट। स्लीवलेस आउटफिट है और जंपसूट में फ्रंट में प्लेन फैब्रिक की प्लीट्स बनाकर डिजाइन बनाया गया है और यही डिजाइनिंग इसको एक डिफरेंट जंपसूट बनाती है रेगुलर जंपसूट के कंपैरेटिवली। इसने मुझे कॉस्ट किया है 1176 रुपीस और साइजेस जो हैं वो इंडिया 2XL तक बनाता है और गोल्ड फॉइल की प्रिंटिंग है जंपसूट के ऊपर और साथ में फैब्रिक बेल्ट भी प्रोवाइड की है ब्रांड ने। आप इसे संगीत, हल्दी, मेहंदी, रिसेप्शन जैसे फंक्शंस के लिए जो है स्टाइल कर सकते हो। ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट आउटफिट है क्योंकि जो नेकलाइन है बहुत ही खूबसूरत है, लाइक आपकी कॉलर बोन्स इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से विजिबल रहेंगी। तो नेक को मैंने खाली छोड़ा है और कानों में स्टेटमेंट इयररिंग्स पहने हैं विद गोल्ड फुटवेयर और लुक को मैंने कंप्लीट किया है अपने पर्ल के क्लच के साथ और ये एक बिल्कुल 10/10 लुक है। वैसे मैंने आउटफिट्स की और एक्सेसरीज की जो डिटेल्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आउटफिट पिक की है मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए जो ट्राई तो करना चाहते हैं नए स्टाइल्स को बट उन्हें लगता है कि उनकी बॉडी के बल्जेस जो हैं वो सिर्फ कुर्ता सेट ही हाइड कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको 100 ऑफ स्टाइल्स जो है बता सकती हूँ बट इस वीडियो के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जो ये स्कर्ट सेट है विद लॉन्ग शर्ट वो बहुत आसानी से हाइड कर देगा आपके सारे साइड बल्जेस को और आपको देगा एक टॉलर एंड स्लिमर लुक। ये है ब्रांड रस्ट ऑरेंज से, रस्ट ऑरेंज एक काफी अच्छा ब्रांड है और इस शर्ट को आपने मेरे 1 trouser and 7 looks वाले वीडियो में भी देखा है और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन तीनों जगह दे दूंगी बिकॉज वो एक मस्ट वॉच वीडियो है। इस आउटफिट की कॉस्ट है 2000 रुपीस बट ये पीस एक इन्वेस्टमेंट है क्योंकि स्कर्ट को भी आप अलग से स्टाइल कर सकते हो, शर्ट को भी काफी तरीकों से स्टाइल जो है आप कर सकते हो। तो ओवरऑल गुड आउटफिट है फ्रॉम अ गुड ब्रांड। फैब्रिक इस स्कर्ट सेट का है विस्कोस बट जो शर्ट है इसका फैब्रिक है प्योर कॉटन। स्लीव्स का स्टाइल भी काफी डिफरेंट है शर्ट का और जो ब्रांड ने क्रॉप टॉप दिया है वो स्लीवलेस है। स्कर्ट का फ्लेयर भी काफी अच्छा है। मैंने लुक को स्टाइल किया है जंक चोकर के साथ और वुडन क्लच से इस लुक को कंप्लीट किया है। आप इस लुक को डे इवेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं, ये काफी परफेक्ट लुक है डे इवेंट्स के लिए। और जो नेक्स्ट लुक है वो है उन लोगों के लिए जिन्हें ट्रेंडी चीजों को पहनना बहुत पसंद है एंड हु आर ओपन टू ट्राई न्यू स्टाइल्स एनी टाइम। तो आप इस आउटफिट को एक कॉट सेट भी कह सकते हैं और हाँ, इस सेट के साथ आपको मैचिंग मास्क भी मिलता है जो आजकल काफी जरूरी है। ये है ब्रांड जूनीपर से और जूनीपर 2XL तक साइजेस बनाता है। कॉस्ट किया है इसने मुझे आई थिंक अराउंड 1800। फैब्रिक प्योर कैम्ब्रिक है, काफी अच्छा वाला कॉटन है। ये
बेसिकली एक फ्यूजन सेट है विद सुपर्ब डिटेलिंग। तो पहले बात करेंगे प्रिंट की। तो प्रिंट बहुत ही खूबसूरत है, नेक पर फैब्रिक के बटन लगा हुआ है टाइप के लिए। स्लीव्स बहुत 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 खूबसूरत हैं। स्लीव्स के फ्लेयर में ब्लू गोटा से डिटेलिंग है और शरारा के बॉटम पर भी सेम डिटेलिंग है। शरारा में पॉकेट्स भी हैं एंड आई वाज सुपर डुपर हैप्पी आफ्टर वेयरिंग दिस। तो अगर आप भी बोर हो गई हैं मेरी तरह हर ओकेजन पर कुर्ता सेट्स पहनकर, तो लेट्स ट्राई समथिंग न्यू टुडे। बट फर्स्ट थिंग कम्स फर्स्ट, मैंने सोचा है मैं एक पूरी सीरीज करूं चैनल पर जिसमें मैं आपको कुछ नए स्टाइल्स, कट्स और सिल्वेट्स दिखाऊं और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, सो डैट आपको आसानी हो कुछ नया ट्राई करने में। और अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा कॉमेंट बॉक्स में। जब आउटफिट इतनी डिफरेंट हो तो स्टाइल करना काफी इजी रहता है। मैंने अपने क्रीम लूप्स पहने हैं और एक ट्रेंडी हैंडबैग कैरी किया है। लाइक अ वेल डिफाइंड एंड कोऑर्डिनेटेड लुक है ये। नेक्स्ट आउटफिट चूज की है मैंने उन लोगों के लिए जो थोड़ा रिस्क भी लेना चाहते हैं और थोड़ा सेफ भी रहना चाहते हैं। लाइक व्हाट आई वांट इज एवरीथिंग। ये आउटफिट है जन्यासा से। लाइक आप इसे टॉप के साथ, धोती, जंपसूट या प्रीस्टिस साड़ी कुछ भी कह सकते हैं, बट ये एक्चुअली धोती के साथ एक अटैच्ड दुपट्टा है। कलर कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा एलिगेंट है। बेज एंड बॉटल ग्रीन इज अ वेरी डिफरेंट एंड वेरी वेरी एलिगेंट कॉम्बिनेशन। कॉस्ट भी काफी रीजनेबल है। लाइक इसने मुझे कॉस्ट किया था 1149 रुपीज। टॉप का फैब्रिक थिक कॉटन है और धोती का फैब्रिक कॉटन फ्लेक्स है। ओवरऑल काफी अच्छी एंड डिफरेंट आउटफिट है। टॉप की लेंथ भी काफी अच्छी है। लाइक आपके टमी और वेस्ट को ये अच्छे से कवर करती है। टॉप के बैक में जिप है और स्लीव्स डबल अम्ब्रेला स्टाइल में है। काफी सिंपल एलिगेंट डिजाइन है। टॉप की फिनिशिंग पर भी प्लीटिंग है जिसके कारण से एक रेगुलर टॉप नहीं लगता ये टॉप जो है। एंड मैं इस लुक को फॉर्मली ही पहनना पसंद करूंगी बिकॉज ऑफ इट्स स्टाइल। सो मैंने पहने हैं अपने स्टेटमेंट कुंदन इयररिंग्स एंड मैचिंग रिंग। लुक को मैंने कंप्लीट किया है गोल्ड फुटवेयर और क्लच से। एंड बिलीव मी ये इतना एलिगेंट लुक है कि इसे आप एज अ वेडिंग गेस्ट भी कैरी कर सकते हो किसी भी वेडिंग में। आई होप आपको ये वीडियो देखकर बहुत मजा आया होगा और बिल्कुल लगा होगा कि अगर विनी कर सकती है इन सब आउटफिट्स को ट्राई तो हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है। अपनी स्टाइलिंग क्वेरीज के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकती हैं इंस्टाग्राम पर भी। मेरा आईडी है दी होप स्टोरी ऑफिशियल। और अगर आज की मेरी मेहनत आप तक पहुंची है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल अगर अच्छा लगता है आपको तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।